नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल ओकापी व्लॉग्स में। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत ही सस्ते में और आसानी से पेड़ कैसे सुखा सकते हैं। दोस्तों बहुत लोगों के कमेंट आते हैं कि कोई ऐसा तरीका हो जो बहुत ही सस्ता हो, जिससे कि आसानी से पेड़ सूख जाए और पेड़ सुखाने में ज़्यादा टाइम भी ना लगे। दोस्तों पेड़ कैसा भी हो, चाहे बड़ा हो या छोटा, उसको सुखाना है तो आपको केमिकल की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा। दोस्तों आज मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ उसका नाम है रामबाण। यह केमिकल काफ़ी सस्ता आता है, 100 ग्राम का डिब्बा आता है जो कि लगभग 30 से 40 रुपए का आता है। दोस्तों वैसे तो हमें पेड़ कभी भी नहीं सुखाने चाहिए, लेकिन कई बार हमारी मजबूरी होती है, जैसे कि घर पर पानी की टंकी के पास में कोई पेड़ उग जाता है जिससे उस पानी की टंकी को नुकसान होता है या घर को भी हानि पहुंचती है, या खेत में किसी ऐसी जगह पर पेड़ है जिससे कि फसल को नुकसान हो रहा है और किसान भाई को भी इससे नुकसान होता है। दोस्तों इस केमिकल का प्रयोग करने से पहले कुछ सावधानियां जरूर रखनी चाहिए, जैसे कि इस केमिकल से अपने हाथों व मुंह को बचाकर रखें, मतलब कि अपने मुंह पर कपड़ा बांध ले, अपने हाथों में दस्ताने पहने और आंखों पर भी चश्मा जरूर लगा ले। और दोस्तों आप इसकी बोतल पर लिखी हुई सावधानियों की पालना जरूर करें। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसका प्रयोग करना कैसे है। इसमें दोस्तों आपको एक नमक मिलाना पड़ेगा। हाँ जी दोस्तों, नमक मिलाना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं कि हम गड्ढा या जड़ खोद लेंगे तो उनको नमक की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों तरीका बताने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। हाँ जी दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों एक और बात ध्यान रखना कि अलग अलग पेड़ों को सुखाने के तरीके अलग अलग होते हैं। किसी एक तरीके के द्वारा कोई पेड़ नहीं सूखता, इसलिए आपको कौन सा पेड़ सुखाना है उसके लिए आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा। हाँ जी दोस्तों, मैं उस पेड़ पर वीडियो बना दूंगा जो आप कमेंट में कहोगे। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इसका प्रयोग करना कैसे है। अब बात करते हैं पेड़ सुखाना कैसे है। दोस्तों एक मीडियम साइज के पेड़ के लिए आप 100 ग्राम रामबाण केमिकल ले लीजिए। इसके साथ में 100 ग्राम नमक लेना है। अब आपको एक बाल्टी में 2 लीटर पानी लेना है और उसमें 100 ग्राम केमिकल और 100 ग्राम नमक डालकर उसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। मिलाने के लिए आप लकड़ी का इस्तेमाल करें, यही सबसे बड़ी सावधानी है। अच्छी तरह से मिला लेने के बाद में यह पानी आपको जड़ों में डालना होगा। दोस्तों जैसे कि यह पेड़ है तो इसके पास में, बिल्कुल पास में यहाँ पर आपको गड्ढा खोदना है। दोस्तों जैसे कि यह जड़ दिखाई दे रही है, यह तो बाहर है, लेकिन 2 फीट तक अंदर जड़ हो उतना गड्ढा खोदना है। जी दोस्तों लगभग 2 फीट तक खोद लीजिए और इस गड्ढे में आपको वह केमिकल वाला पानी डाल देना है और इस गड्ढे को वापिस मिट्टी से भर देना है। हाँ जी दोस्तों, वापिस मिट्टी से जरूर भर दे इस गड्ढे को। दोस्तों अब इस प्रयोग में आपको सावधानी क्या रखनी है, तो आप जो गड्ढा खोदे उसे मिट्टी से जरूर भर दे। हाँ जी दोस्तों, उस गड्ढे को वापिस मिट्टी से भरना जरूरी है और खाली न छोड़े, जिसे पशु पक्षी भी वह केमिकल वाला पानी पी सकता है। इसलिए गड्ढे को मिट्टी से जरूर भर दे, जिससे वह पेड़ ज्यादा आसानी से सूखेगा। दोस्तों आपको किस पेड़ पर वीडियो चाहिए उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं वीडियो बना दूंगा। धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना।